अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है वारिस और आप देख रहे हैं वारिस टेक। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि हम एमएक्स प्लेयर को अपने लैपटॉप या पीसी में कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब आप एमएक्स प्लेयर को अपने लैपटॉप या पीसी में इजीली इंस्टॉल कर सकेंगे। दोस्तों अगर आप भी अपने लैपटॉप या पीसी में एमएक्स प्लेयर को इंस्टॉल करना चाहते हैं और ये सब कुछ सीखना चाहते हैं तो बने रहिए आज की वीडियो के साथ। तो दोस्तों उससे पहले इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल वारिस टेक को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको आइंदा भी इस तरह की लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें। तो दोस्तों कैसे आप अपने लैपटॉप या पीसी में एमएक्स प्लेयर को इंस्टॉल करेंगे? दोस्तों एमएक्स प्लेयर को इंस्टॉल करने के लिए आपको एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका नाम होगा नॉक्स ऐप प्लेयर। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप जैसे ही उस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप इस तरह के एक पेज के ऊपर आ जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉक्स ऐप प्लेयर। अब आपने यहाँ से नॉक्स ऐप प्लेयर को अपने लैपटॉप या पीसी में डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के लिए आपने सबसे एंड पे आ जाना है। जैसे ही आप एंड पे आएंगे तो यहाँ पे आपको डाउनलोड का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पे आप इस ऑप्शन को देख सकते हैं। तो आपने सिंपली यहाँ डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और नॉक्स ऐप प्लेयर को अपने लैपटॉप या पीसी में डाउनलोड कर लेना है। दोस्तों आप जैसे ही इसको डाउनलोड कर लेंगे, डाउनलोड करने के बाद आप इसको इंस्टॉल कर लीजिए। तो इंस्टॉल करने के बाद आप इसको ओपन कर लीजिए। मैंने इसको पहले से डाउनलोड और इंस्टॉल किया हुआ है और मैं अभी आपको ओपन करके दिखाता हूं कि आपने इसको यूज़ किस तरीके से करना है और वहां से एमएक्स प्लेयर को कैसे इंस्टॉल करना है। तो दोस्तों हम यहाँ पर नॉक्स ऐप प्लेयर को ओपन कर लेते हैं। तो जैसे ही आप नॉक्स ऐप प्लेयर को ओपन करेंगे तो आपको इसका इंटरफेस कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा और यहाँ पे आपको मुख्तलिफ किस्म के ऑप्शन देखने को मिलेंगे। यहाँ पे अगर आप साइड बार पे देखें तो साइड बार पे भी आपको मुख्तलिफ किस्म के ऑप्शन देखने को मिलते हैं। अगर आप इनको यूज करना चाहते हैं तो आप इजीली कर सकते हैं। दोस्तों ये बहुत ही कमाल का एंड्रॉयड इमुलेटर है। इसकी मदद से आप इजीली अपने लैपटॉप या पीसी में एमएक्स प्लेयर को भी इंस्टॉल कर सकेंगे और गूगल प्ले स्टोर की तमाम ऐप्स और गेम्स को भी रन करवा सकेंगे। और दोस्तों यहाँ पे आपको प्ले स्टोर का ऑप्शन देखने को मिल रहा है और नीचे ही अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको फेसबुक, यूट्यूब, टिकटॉक, पबजी मोबाइल, व्हाट्सएप मैसेंजर। और अब आपने यहाँ पे एमएक्स प्लेयर को कैसे इंस्टॉल करना है? एमएक्स प्लेयर को इंस्टॉल करने के लिए सिंपली आपने प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा गूगल प्ले स्टोर ओपन हो चुका है और यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म की एप्लीकेशन देखने को मिलेंगी। यहाँ पे आपको व्हाट्सएप मैसेंजर, फेसबुक, टिकटॉक मैसेंजर, इसके अलावा इमो, और यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा एमएक्स प्लेयर का। अगर आपको यहाँ पे एमएक्स प्लेयर देखने को ना मिले तो आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं और अब आपने सिंपली यहाँ पे एमएक्स प्लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप एमएक्स प्लेयर पे ओपन करेंगे तो आपके सामने एमएक्स प्लेयर ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा इंस्टॉल का। तो आप इजिली यहाँ इंस्टॉल वाले ऑप्शन पे क्लिक करें और एमएक्स प्लेयर को अपने लैपटॉप या पीसी में इंस्टॉल कर लें। तो दोस्तों इस तरीके से आप इजिली अपने लैपटॉप या पीसी में एमएक्स प्लेयर को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल वारिस टेक को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।